हम लोग मैनिफोल्ड्स को डिस्कस कर रहे थे कल। हमने ये देखा था कि मैनिफोल्ड्स होती कैसे हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, कैसे उनमें डिफरेंशिएट करते हैं, कौन सी सरफेस मैनिफोल्ड हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। अगेन लेट मी मोटिवेट यू अबाउट द आइडिया ऑफ मैनिफोल्ड्स, कि हम मैनिफोल्ड पे क्यों कैलकुलस करना चाह रहे हैं या हम इस चीज में इंटरेस्टेड क्यों हैं। उसकी वजह ये है कि जनरल रिलेटिविटी में जो भी चीजें डिस्कस करते हैं या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बेसिकली स्पेस टाइम में करते हैं। तो हमारे पास जनरल रिलेटिविटी में जो स्पेस टाइम है हमारा, वो एक फोर डायमेंशनल मैनिफोल्ड है। स्पेस टाइम इज ए फोर डायमेंशनल मैनिफोल्ड, क्योंकि हमने स्पेस टाइम को डिस्कस करना होता है और स्पेस टाइम पे चीजों के एक्शन देख रहे होते हैं, की फीचर्स देख रहे होते हैं, और हमारा स्पेस टाइम ही असल में मैनिफोल्ड है। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में स्पेस और टाइम आपके पास सेपरेट एंटिटीज हैं। मतलब आप स्पेस में क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं और देन फिर आप टाइम में उनकी एवोल्यूशन को देख लेते हैं। वहां पर स्पेस और टाइम बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। और स्पेशल रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम एक ही चीज है जिसको हम स्पेस टाइम कहते हैं, और हम स्पेस टाइम में चीजों को देख रहे होते हैं। लेकिन जनरल रिलेटिविटी में स्पेस टाइम अब मैनिफोल्ड है। अब हम यहाँ पर स्पेस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि असल में स्पेस टाइम क्या है। स्पेशल रिलेटिविटी हमने ये कहा था कि स्पेस और टाइम असल में स्पेस टाइम है, और अब हम ये कह रहे हैं कि वो स्पेस टाइम एक मैनिफोल्ड है। वो मैनिफोल्ड फोर डायमेंशनल है, वो कंटिन्यूस है, वो स्मूथ सरफेस है। और बेसिकली सरफेस, जब मैं सरफेस कह रहा हूँ तो सरफेस से मुराद एक ऐसी चीज ले रहा हूँ जिसके ऊपर आपके ऑब्जेक्ट्स रहते हैं और वो वहां पर मूव कर सकते हैं। जैसे कोई मैनिफोल्ड है, उस मैनिफोल्ड, सो लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक मैनिफोल्ड है। इस मैनिफोल्ड के ऊपर कोई वेक्टर पड़ा होगा, वो वेक्टर इसके ऊपर रहता है, वो वेक्टर उसके कुछ फीचर्स होंगे, देन वो वेक्टर इस यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकता है, वगैरह वगैरह। असल में हमें फिर इन सर्फेसिस के लिए आप एक कैलकुलस डेवलप करनी है। फिजिक्स के परस्पेक्टिव से हमारा हमारा गोल ये है कि इस मैनिफोल्ड के ऊपर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब किया जाए। हम ये देखना चाहते हैं कैसे चीजें चेंज होती हैं, कैसे इसके ऊपर डेरिवेटिव लिए जाते हैं। हमने हर वो चीज जो न्यूटोनियन फिजिक्स में और स्पेशल रिलेटिविटी में पढ़ी थी, अब हम उसको जनरलाइज करना चाह रहे हैं, ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर केस पर अप्लाई ना हो, वो आपकी वो किसी भी सिचुएशन में एप्लीकेबल हो। असल में हम इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स ऐड करना चाह रहे हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर में स्मूथनेस और कंटिन्यूटी की जो नोशंस हैं वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो हम मैनिफोल्ड की किसी एक स्पेसिफिक टाइप की बात नहीं कर रहे होंगे। हमें बिल्कुल नहीं पता अभी तक कि जो हमारा स्पेस टाइम है वो किस तरह की मैनिफोल्ड है, वो स्फीयर है, वो टॉरस है, वो क्या है, हमें इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये चीज हमें बताती है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन जो हम डेवलप करेंगे। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन हमें बताएगी कि ये किस तरह की मैनिफोल्ड है, इस मैनिफोल्ड का स्ट्रक्चर, इस मैनिफोल्ड की शेप कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, या इसके क्या फीचर्स होते हैं। एट द मोमेंट हमें नहीं पता कि ये मैनिफोल्ड क्या है, तो हम जितनी भी बातें करेंगे हम एक आर्बिट्रेरी मैनिफोल्ड लेंगे कि आप कोई भी मैनिफोल्ड कंसिडर कर लें और उस मैनिफोल्ड के ऊपर तमाम चीजें उसी तरीके से रहेंगी जिस तरीके से हम एक जनरल मैनिफोल्ड पे डिस्कस कर रहे हैं। इंट्यूटिवली तो ये बताना बहुत आसान है कि कौन सी सरफेस स्मूथ है या नहीं, और मतलब कौन सी सरफेस मैनिफोल्ड है और नहीं है। लेकिन रिगरसली इस चीज को शो करना कि कोई सेट या कोई गिवन सरफेस मैनिफोल्ड असल में है या नहीं, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि
इंट्यूटिवली तो आप एजेस को ये बाउंड्रीज को देख लेते हैं किसी सरफेस पे, या ऐसे पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं जो प्रॉब्लमेटिक हों, जहाँ पर डायमेंशन चेंज हो रही हो, जैसे कल हमने देखा था एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हुए डायमेंशनलिटी चेंज हो रही हो, या फिर हम ऐसे या फिर हम उस सरफेस के ऊपर होल्स या डिस्क्रीट पॉइंट्स के लिए देख रहे होते हैं, उनको ढूंढ रहे होते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये सरफेस मैनिफोल्ड नहीं है या है। लेकिन इन जनरल अगर हम रिगरसली मैथमेटिकली शो करना चाह रहे हैं कि एक गिवन सेट ऑफ स्पेस है आपके पास, सॉरी गिवन सेट है या कोई सरफेस है या कोई स्पेस है, वो मैनिफोल्ड है या नहीं, तो उसके लिए आपको फिर अप्रोप्रिएट चार्ट या सेट ऑफ चार्ट्स या कोई एटलस बनाने पड़ते हैं। और ऑल्दो हमने अपनी डेफिनेशन में ये कहा था कि कोई जो मैनिफोल्ड होगी उस मैनिफोल्ड के ऊपर मैक्सिमल एटलस होगा, और मैक्सिमल एटलस से मुराद था कि ऑल पॉसिबल कंपेटेबल चार्ट्स। लेकिन डेफिनेटली कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप तमाम पॉसिबल कंपेटेबल चार्ट्स को ड्रॉ करें, क्योंकि वो असल में इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो लेकिन आपको कम से कम एक या दो ऐसे चार्ट्स लाजमी ड्रॉ करने पड़ते हैं जो उस पूरी सरफेस को कवर कर रहे हो, जिस तरह कल हमने कल वो स्फीयर की एग्जांपल देखी थी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में, कि हमने दो चार्ट्स के जरिए ही वो 0-2π वाले रीजन को कवर कर लिया था। सो आपको आप जाहिर बात है कि सारे के सारे चार्ट्स नहीं बना सकते, लेकिन आपको एक या दो ऐसे चार्ट्स बनाने का मिनिमम दो एक नहीं मिनिमम दो चार्ट्स आपको ऐसे लाजमी बनाने पड़ते हैं जो पूरी की पूरी सरफेस को या पूरे के पूरे सेट को कवर कर रहे हैं। और अगर आप ये शो कर सकें कि वो जो चार्ट्स आपने बनाए हैं उनके जो मैप्स हैं वो इन्वर्टिबल हैं, और उन मैप्स के दरमियान होने वाली जो ट्रांजिशन है या उन चार्ट्स के ओवरलैपिंग रीजन के दरमियान के ओवरलैपिंग रीजन में जो ट्रांजिशन हो रही है वो स्मूथ है, यानी कि वो सी इनफिनिट मैप्स हैं या वट एवर डिग्री ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी यू आर रिक्वायरिंग सीपी, तो आप कह देते हैं कि जो गिवन सेट है वो मैनिफोल्ड है, अदरवाइज नहीं। सो मैथमेटिकली तो फिर हम इस तरीके से शो करते हैं, बट ये काम इतना आसान भी नहीं है, और ये डेफिनेटली एक मुश्किल कैलकुलेशन होती हैं, मुश्किल सेंस में कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सो दैट्स द आइडिया ऑफ मैनिफोल्ड एंड दैट्स द मोटिवेशन फॉर अस टू डू थिंग्स ऑन मैनिफोल्ड्स। सो अब हम आज के लेक्चर में हम मैनिफोल्ड्स के ऊपर वो सारे कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करेंगे, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करेंगे जो हम लोगों ने स्पेशल रिलेटिविटी में पढ़े थे, जैसे वेक्टर्स हैं आपके पास, वन फॉर्म्स हैं हमारे पास, टेंसर्स हैं, वेक्टर फील्ड्स हैं, टेंसर फील्ड्स हैं, वन फॉर्म फील्ड्स हैं। सो फिर हम देखेंगे कि एक दफा हमने ये सारी नोशंस डेवलप कर ली, या इनमें सबसे मुश्किल काम सिर्फ एक दफा वेक्टर्स को डिफाइन करना, अगर हमने वेक्टर्स डिफाइन कर लिए सो देन रेस्ट ऑफ द वर्क इज एक्सट्रीमली ईजी, वो सिर्फ डुअल स्पेसेस होती हैं जिनमें बाकी फिर हमें सारी चीज़ें चलानी होती हैं। सो दिस इज द मेन टास्क फॉर अस कि हम मैनिफोल्ड के ऊपर वेक्टर्स वन फॉर्म्स वगैरह को रीडिफाइन करें, हर चीज़ जो हमने पहले की हुई अब हमने उसको रीडिफाइन करना है, लेकिन मैनिफोल्ड्स के लिए, और ये उनकी ज़्यादा जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी rather than previously learned vectors or one forms or other stuff. Okay, so all right, any question? समझ में आई है अब तक जो मैंने बातें की हैं? Yes, sir. एनी क्वेश्चन इसमें से? नो सर, आगे समझ।
so let's define something now. Suppose first करते हैं कि आपके पास दो जर्नल मैनिफोल्ड्स हैं M और N. Let me draw one in blue, in green. This is M. This is M. और एक मैनिफोल्ड हमारे पास जर्नल है ये वाली. N. जो M manifold है ये M dimensional है, जो N है ये N dimensional है. So this one is M dimensional, small m. And this one is N dimensional. इन दो मैनिफोल्ड्स के दरमियान अब हम एक मैप डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट मी से के दैट मैप इज, आपने इस ग्रीन मैनिफोल्ड से इस ब्लू मैनिफोल्ड पे जाना है और ये मैप हम डिफाइन कर लेते हैं F. ये हमने एक मैप डिफाइन कर लिया. सो लेट मी से के दिस F इज अ मैप फ्रॉम M to N. और अभी ये जो मैप है हम अब इस स्टेज पे हम इस मैप के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर रहे कि ये F क्या चीज है. इवन कि हम अभी ये भी नहीं कह रहे कि ये F one to one है या नहीं है, कि इसको one to one होना लाजमी नहीं है. हम ये भी नहीं कह रहे कि इन्वर्टिबल है या नहीं, आप N से M पे वापस आ सकते हैं या नहीं. अभी हम कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं लगा रहे. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि F एक ऐसा मैप है जो M से N पे जा रहे हैं. अच्छा, सो अब आपको ये पता है कि आपने इस मैनिफोल्ड पे या इस सेट के ऊपर चार डिफाइन करना है और देन उसको किसी रियल स्पेस के अंदर मैप कर देना है और उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे. सो लेट्स डू दिस स्टफ के यहाँ पर कोई एक ओपन सेट ले लेते हैं. इस ओपन सेट में हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है. इस पॉइंट को हमने मैप कर देना है किसी यूक्लिडियन किसी एम डायमेंशनल रियल स्पेस में. और ये हमने इसकी सो ये लेट्स सपोज कि ये इस रीजन में हम इसको मैप कर देते हैं. तो ये पॉइंट पी यहाँ पर इस पॉइंट एक्स के ऊपर मैप हो जाता है और ये पूरा रीजन इसके ऊपर मैप हो रहा है. लेट्स से कि जो मैपिंग हो रही है किसी मैप फाई अल्फा से हो रही है. अच्छा, इसी तरह यहां पर कोई रीजन है, ओपन सेट हम ले लेते हैं. यहां पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं क्यू और इसे हम एक और रियल स्पेस में मैंने मैप करवा देते हैं. इसको हम आर एन कह देते हैं. सो से के ये मैप हो रहा है इस रीजन में जाके, ये पूरा ओपन सेट इस रीजन में मैप हो रहा है और ये यहाँ पर किसी पॉइंट वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं. और से के ये जो मैप है इसको मैं नाम दे देता हूँ फाई लोक. तो ये अल्फा और रो मैंने डिफरेंट इंडेक्सेस लिए हैं, ये मैप डिफरेंट हैं. सो इनको सिर्फ डिफरेंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट इंडेक्सेस कंसीडर किए हैं. ओके, सो इस पॉइंट एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम इनको ये एक्स, सो बेसिकली एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स अल्फा होंगे. सो ये सिर्फ एक मैप है जो फाई अल्फा, सो बेसिकली इट्स अ फंक्शन के फाई अल्फा पी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और सो वो आपको एक्स एक्स प्रोवाइड कर रहा है. सो ये अल्फा से मुराद है कि इस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है डिफरेंट पीज के लिए.
पाने। वैसे यहाँ पर डिफरेंट तरह के मैप्स होंगे, सिंक के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे पॉइंट वाई के वो आपके पास बन जाएंगे phi of rho q. So ये हमारा वो usual stuff है जो हम लोग पहले discuss करते आए हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने, और हमें ये भी पता है कि अगर आपने, जो कि ये invertible maps होते हैं, और अगर आप वापस जाना चाहते हैं इस real space से Rm से M में, तो आपको यहाँ पर map को invert करना पड़ेगा और ये बन जाएगा आपके पास y alpha ms। अच्छा, असल में ये बात कहने का मतलब क्या था, इसको थोड़ा सा मैसेज करके देखता हूँ। ये बात कहने का मकसद ये है कि अगर आप अगर आप इस रियल स्पेस आर एम से आर एन में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आप पहले जाएंगे इस आर एम से एम में, एम से इस फंक्शन एफ के थ्रू पहुंचेंगे एन में, और यहां से फिर एक मैप ड्रॉ करेंगे जो आपको पहुंचा देगा आर एन में। क्लियर, ये बात समझ में आई? यस सर। आप बेसिकली अब एक एक मैनिफोल्ड से किसी दूसरी मैनिफोल्ड में जाना चाह रहे हैं। So, ये जो ट्रांजिशन यहाँ पर हो रही है, ये बेसिकली ट्रांजिशन इस मैप एफ के थ्रू हो रही है, और ये तो लिहाजा हम कह सकते हैं, और आपने यहाँ और इस एफ के थ्रू आप असल में कैस क्या कहाँ से कहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप आर एम से आर एन में पहुंच रहे हैं, आर एन में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो मैनिफोल्ड्स के दरमियान मैप एफ हो, तो आपके पास दो मैनिफोल्ड्स के दरमियान मैप एफ है, तो असल में वो मैप आर एम से आर एन के दरमियान है, एक यूक्लिडियन स्पेस से किसी दूसरी यूक्लिडियन स्पेस के तक है। सो बेसिकली इस पॉइंट तक जो मैप आपके पास होगा वो इस तरीके से होगा कि आपने phi alpha inverse को कंपोज किया f के साथ, और फिर इस f को कंपोज किया phi rho के साथ। क्लियर? जी सर। तो ये बेसिकली डबल कंपोजिशन यहाँ पर हो रही है। सो इस चीज को जहन में रखते हुए फिर हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट y के कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब पॉइंट आप x से y में पहुंचे, अब इसमें आप x से y में कैसे पहुंचे हैं, वो इस तरीके से फिर पहुंचे हैं कि y आपके पास है phi of rho composed with f composed with phi alpha inverse, और इसको आपने कोई पॉइंट x दिया है, इस कॉम्पोजिशन को आपने इस पॉइंट x के ऊपर ये कॉम्पोजिशन अप्लाई की है, और उस कॉम्पोजिशन ने आपको y प्रोवाइड कर दिया है। So basically y असल में है क्या? Y is just coordinate representation of f. F के coordinates हैं। So y of rho is equal to f of rho x alpha। So, मैं f के ऊपर ये index इसलिए लगा रहा हूँ ताकि corresponding वो उसी point के ऊपर map कर रहा है। So that's the reason. Is it clear? जी सर। अब हम वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं अपनी सरफेस पे। सो बेसिकली वेक्टर्स क्या होते हैं, लेकिन कंडीशन है ऑन ए मैनिफोल्ड, सो बेसिकली ये हमने डिस्कस करना है। सो एक दफा हमने वेक्टर्स को डेवलप कर लिया मैनिफोल्ड के ऊपर, सो देन रेस्ट ऑफ द स्टफ इज प्रीटी इजी। सो वेक्टर्स होते क्या हैं? अगर हम यूजुअल स्पेशल रिलेटिविटी को देखें, तो हमने जो पहले पढ़ा था कि वेक्टर्स, याद है किसी को क्या पढ़ा था हमने?
वेक्टर्स आर टेंजेंट्स टू कर्व्स, सो मुख्तलिफ कर्व्स के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं. सो लेट्स सपोज के आपके पास एक ये कोई सरफेस ले लें, एक स्मूथ सरफेस ले लिया, ऑल्दो इट्स नॉट दैट स्मूथ, बट अज्यूम यहाँ पर आपके पास कोई कर्व है, इसके ऊपर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है. सो मतलब ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है. सो ये जो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये आपका असल में एक वेक्टर है. इसी तरह इसके अंदर कोई और कर्व हो सकती है. सो लेट्स से कि एक ये कर्व आ रही है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट पड़ा हो, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लें, वो टेंजेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है. सो यहाँ पर ये वेक्टर है. सो हमारा क्लेम ये है कि ये जो टेंजेंट है, ये एक वेक्टर है. हम अभी इस चीज को साबित करेंगे, और अभी हम थोड़ी देर में इस क्लेम को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं. सो फिलहाल हमारा क्लेम बस इतना है कि ये टेंजेंट एक वेक्टर है किसी मैनिफोल्ड के लिए भी. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कैसे अपनी स्कीम को डेवलप कर सकते हैं. सो लेट्स सपोज कि आपके पास एक, अभी मैं थोड़ा सा इस क्लेम को और इम्प्रूव करता हूँ, फिर हम बाद में देखते हैं कि हम ये सारा कुछ कैसे कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कि आपके पास एक स्मूथ फंक्शन है एफ ऑन एम, एम मैनिफोल्ड है और ये मैपिंग हो रही है आर के ऊपर, और ये एक स्मूथ फंक्शन है. स्मूथ से मुराद है कि ये सी इन्फिनिट और डिफरेंशिएबल है, सी इन्फिनिट मैप है. अच्छा, और हम जो हमारी जो कर्व है, हम कर्व को ये हम कह रहे हैं कि ये जो कर्व है आपके पास, कर्व एक मैप है. सो कर्व को मैं गामा का नाम दे देता हूँ. सो कर्व इज अ मैप फ्रॉम आर टू एम. ये अभी एक अभी थोड़ी देर में सारी बातें ना क्लियर हो जाती हैं कि इन सारी बातों का मतलब क्या है. अभी मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ. अच्छा, अब हम अपने क्लेम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. उससे पहले हम ये बात करते हैं कि इस कर्व के अलोंग, और आपने इस कर्व को पैरामीटराइज किया हुआ है किसी पैरामीटर लैम्डा से, इस किसी पॉइंट पी पर आपके फंक्शन एफ के जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं, हमने असल में वो कैलकुलेट करने हैं. सो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड कि इस फंक्शन के इस पैरामीटर के लिहाज से, एफ के इस पैरामीटर लैम्डा के लिहाज से डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होंगे एट सम पॉइंट पी. सो बेसिकली ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं आपके पास. हम ये कहते हैं कि इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फंक्शन के थ्रू दिए जा सकते हैं. क्लेम हमारा अब यहाँ पर ये है कि ये जितने भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं, ये मिलकर एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं. सो क्लेम द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, यानी कि किसी पॉइंट पी पर मौजूद जितने भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं. अच्छा, लेकिन अब एक मसला है. वो मसला यहाँ पर ये है कि इस कोई भी पॉइंट ले लेते, चलें दोबारा ड्रॉ करते हैं और लेट्स सी के कौन उसको आंसर करता है. मसला वो ये है कि यहाँ पर आपने कोई पॉइंट ले लिया, ये वाला थोड़ा सा मैं. अच्छा, अब इस पॉइंट के ऊपर तो एक ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं बनेगा, और एक पॉइंट मिलके कैसे कोई वेक्टर स्पेस बना सकता है. वेक्टर स्पेस के लिए तो आपको इनफाइनाइट पॉइंट चाहिए होते हैं, या इनफाइनाइट डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए होंगे, मतलब बहुत ज्यादा चाहिए होंगे. तो कैसे हम इस बात को फिर जस्टिफाई करेंगे. जी
हाँ जी, किसी को नहीं समझ आ रही? सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर आपको वेक्टर प्लीज। स्पेस के लिए एक से ज्यादा, सॉरी ये कह रहा हूँ, आपको वेक्टर स्पेस डिक्लेयर करने के लिए दो से ज्यादा डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स तो चाहिए चाहिए, ऐसे ही है ना? जी सर। तो लेकिन ये तो पॉइंट एक है, इसके ऊपर ज्यादा डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स कैसे बन सकते हैं? सर पॉइंट टू क्लोज सेट होता है। अभी हम सेट की तो बात ही नहीं करें, हमें जरूरत नहीं उस सेट की ये देखने की कि क्लोज है या नहीं, डजंट मैटर, ये तो पॉइंट है बस एक। अब हम ये डिफाइन करें कि इस पॉइंट के ऊपर जो भी वेक्टर्स बन रहे हैं या जो भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं वो वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। सेट को तो देखने की जरूरत ही नहीं फिलहाल, क्योंकि सेट का ताल्लुक मैंने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जी से, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो तो टेंजेंट तो आप किसी कर्व के ऊपर ड्रॉ करते हैं सर, अगर ये पॉइंट हमारे पास बड़ा हो तो ये भी तो कर्व फॉर्म में आ सकता है, उसके ऊपर टेंजेंट भी तो ड्रॉ हो नहीं, सकता ये है। कर्व फॉर्म में नहीं आ सकता, इसमें से कोई कर्व गुजर सकती है, ये पॉइंट किसी कर्व का पॉइंट होगा, ऐसे ये किसी कर्व का पॉइंट है, ये कर्व फॉर्म में नहीं आ सकता, लेकिन ये किसी कर्व का पॉइंट होगा, कोई कर्व आपने ड्रॉ की हुई है इसके ऊपर, यहाँ पर कोई तो सर हम इसी कर्व पे एक और पॉइंट ले लेंगे। नहीं, पॉइंट आपने नहीं चेंज करना, लेकिन लेट्स सपोज कि ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक पॉइंट ये पड़ा हुआ है, इस पॉइंट में से आप एक से ज्यादा कर्व्स गुजार सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि एक कर्व आपने ये बना ली, एक कर्व आपने कह दिया कि कर्व ये गुजर रही है, अब ये जो हर हर कर्व का अपना एक अलग टेंजेंट होगा, इसका टेंजेंट ये बन रहा है, इसका टेंजेंट कुछ ये बन रहा होगा, सो लेट्स से कि इसका टेंजेंट ये बन रहा होगा, ऐसे ही है। आप इस पॉइंट में से तो इनफाइनाइट कर्व्स गुजार सकते हैं ना? जी सर। सो ये जितने भी टेंजेंट्स बन रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं, ये डेरिवेटिव्स जो होंगे ये वेक्टर स्पेस बना रहे होंगे, यानी कि सेट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स विल फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। समझ में आई बात? अब कुछ तो सर इट मींस कि एक पॉइंट के साथ डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हम फाइंड कर सकते हैं। एक पॉइंट पे सर, एक पॉइंट पे डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ करके कर्व्स पे तो फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। आप जितने मर्जी ड्रॉ करें, एक पॉइंट है ना, पॉइंट में से जितने आप इसमें इसके देखें, ये कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज कि ये कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट में से आप कितनी लाइनें गुजार सकते हैं? इनफाइनाइट लाइंस गुजार सकते हैं जी सर। तो इनफाइनाइट कर्व्स गुजर सकती हैं, उनके ऊपर बनने वाले डेरिवेटिव, उनके ऊपर बनने वाले टेंजेंट्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। सो लेट मतलब इसको अगर मैं आपको ना एक और मिसाल से दिखाऊं तो फिर शायद ये समझ में आए। सो लेट्स सपोज कि ये पॉइंट है और यहाँ पर आप ड्रॉ करें, अब देखें एक ये बन गया, ये बन गया, ये तो फिर बड़ा फासला आ रहा है, ये और करीब कर लें इन लाइनों को, इनफाइनाइट लाइंस नहीं इनमें से बन गुजर सकती? यस सर। So that would be the case for curves as well, कि इसी तरह infinite curves गुजर सकती हैं। So let's suppose यही पीछे किसी curve में extend हो जाती हैं लाइनें सारी। Got the idea? Yes sir. So अब हम इसी तरह इनके ऊपर अच्छा, so ये जो tangents होते हैं, हम इनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के actions कर सकते हैं, हम इनमें क्वांटिटीज को इनके इनके ये जो बेसिकली डिफरेंशियल्स हैं इनको ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज के दो डिफरेंशियल्स आ रहे हैं, डी ओवर डी लैम्डा, ये लैम्डा पैरामीटर नहीं है फिलहाल, प्लस डी ओवर डी ईटा, हम इनके साथ मुख्तलिफ स्केलर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसके साथ ए करवा दिया, इसके साथ बी करवा दिया, और फिर हम ये देख सकते हैं कि ये लाइबनिट्ज़ रूल को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। लाइबनिट्ज़ रूल क्या होता है? ए डी ओवर डी लैम्डा एफ जी,
प्रोडक्ट रूल है सिंपल, डी ओवर डी ईटा एफ जी, और आगे इनको आप देख सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज लाइबनिट्ज़ रूल. सो हम इन लॉज को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो बट लेट्स नाउ डू दिस इन अ मोर टेक्निकल वे इन अ केस ऑफ मैनिफोल्ड्स. अभी तो हमें पता है कि अगर हमारे पास टेंजेंट्स हो तो हम ये सारा कुछ कर सकते हैं, करने की पहल है. सो लेट्स सी कि मैनिफोल्ड्स और वो चार्ट्स वगैरह के लिए हम ये सारा यह कुछ कैसे करेंगे. लेट्स सपोज कि आपके पास एक मैनिफोल्ड है और वो मैनिफोल्ड हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. ये एक स्मूथ मैनिफोल्ड है M. इसके ऊपर हमने कोई कर्व ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये हमने एक कर्व ड्रॉ कर ली. इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट रख दिया, यहाँ पर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, और हमने कहा कि हमारे पास, और यहाँ पर आपकी कोई रियल स्पेस पड़ी हुई. लेट मी ड्रॉ दिस इन, एक रियल लाइन ले लेते हैं. सो ये रियल लाइन हम कह देते हैं कि दिस इज लैम्डा, पैरामीटराइज लैम्डा के थ्रू की हुई है, और इसके ऊपर यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया. अच्छा, सो आपके पास एक मैप है गामा, जो आपको इस रियल लाइन से लेके जा रहा है कर्व में. सो यहाँ पर एक मैप है जो आपको यहाँ से इस कर्व के ऊपर लेके जा रहा है गामा. अच्छा चले, मैं इसको ऐसा करता हूँ, किसी और कलर में ड्रॉ करता हूँ. और इस गामा को आपने पैरामीटराइज किया हुआ है इस फंक्शन लैम्डा के थ्रू. अब हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं, जो आपको फंक्शन एफ, जो आपको किसी इस मैनिफोल्ड से लेके जा रहा है किसी रियल लाइन पे. सो लेट्स सपोज कि आपके पास एक फंक्शन है, सो लेट मी ड्रॉ अनदर रियल लाइन. आपके पास एक फंक्शन है जो आपको इस रियल लाइन से, सॉरी इस मैनिफोल्ड से इस रियल लाइन पे लेके जा रहा है. सो एफ इज जस्ट एम टू आर, एफ इज अ मैप फ्रॉम एम टू आर. असल में आपके पास काम हो क्या रहा है, गामा ये कर्व आपको लेके जा रही है रियल लाइन से मैनिफोल्ड में, और देन ये फंक्शन आपको लेके जा रहा है मैनिफोल्ड से रियल लाइन पे. असल में आप कर क्या रहे हैं, असल में आप कर ये रहे हैं कि आप इस रियल लाइन से इस रियल लाइन पे जा रहे हैं, और किन दो मैप्स को यूज कर रहे हैं, एफ और गामा को. सो बेसिकली आपने एफ को कंपोज किया गामा के साथ. क्लियर? यस सर. अच्छा, अब आपने, सारी बात है कि आपने अगर मैनिफोल्ड है, मैनिफोल्ड को आपने कोऑर्डिनेट्स भी प्रोवाइड करने हैं, और देन फिर मुझे यहाँ पर कोई रियल स्पेस डिफाइन करनी पड़ेगी जिसके थ्रू मैं इसको कोऑर्डिनेट्स दे सकूं. सो लेट्स से कि वो मैंने ये डिक्लेयर कर दिया. लेट मी इसको, अच्छा मुझे जरा ये रेस करने दे, इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है. सो यहाँ पर हमारे पास एक रियल स्पेस है. सो लेट्स से के ये है, चूंकि एम मैनिफोल्ड है तो मैं इसको आर एम कह देता हूँ. और आपने यहाँ पर कोई ओपन सेट लिया है, आपने उसको पहुँचा दिया किसी मैपिंग के थ्रू. यहाँ पर लेट्स से के वो मैप आपके पास है फाई का, और इसी तरीके से आप यहाँ से वापस भी जा सकते हैं किसी मैप by inverts से, invertible maps हैं. So let's say कि यहाँ पर आपके पास कोई point पड़ा हुआ था,
सो आप इस रियल, सो बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप इस रियल लाइन से गामा के थ्रू जाते हैं एम में, और एम से इस मैप फाई के जरिए आ जाते हैं इस यूक्लिडियन स्पेस आर एम में। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास फिर मैप, इस पॉइंट का मैप यहाँ पर जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा कि आपने गामा को कंपोज किया है फाई के साथ, और इसने आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए जिनको आपने लैम्डा के थ्रू पैरामीटराइज किया हुआ है। और इसी तरीके से आप फिर इस रियल स्पेस से वापस जाते हैं फाई इनवर्ट्स के थ्रू एम में, और एम से दोबारा जाते हैं इस फंक्शन एफ के थ्रू रियल लाइन पे। सो यहाँ से फिर यहाँ पर भी आप एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये मैप आपके पास होगा कि आपने एल्फाई इनवर्स को कंपोज किया है एफ के साथ। दोनों सूरतों में आप कर क्या रहे हैं, दोनों सूरतों में आप रियल लाइन से रियल लाइन पे जा रहे हैं। सो एफ ओ जी सो सॉरी एफ ओ गामा इज अ मैप फ्रॉम आर टू आर, या गामा कंपो एफ फाइव कंपोज विद गामा एंड एफ कंपोज विद फाइव इनवर्स इज आल्सो अ मैप फ्रॉम आर टू आर। क्लियर? ये डायग्राम सर, समझ गए? अगर हम यहाँ पे जी फाइव कंपोज गामा जहाँ लिख रहे हैं, वहां पे गामा कंपोज फाइव भी तो लिख सकते हैं। ठीक हाँ, लिख लें। है। और सर, जो एक्स आपने यहाँ पे लिया है, एक्स अल्फा, ये मैनिफोल्ड में कोई पॉइंट है? हाँ, ये बिल्कुल है, ये वही चीज है जो हमने, सो ये आपकी रियल स्पेस के अंदर कोई पॉइंट आ रहा है, ये जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, हम इसको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस पॉइंट को, कि ओके सर, ये ओके यहाँ सर। पर किसी पॉइंट के साथ साइंड है। ठीक है सर। यहाँ पर अब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि आप ये पॉइंट उठाया है, ये बेसिकली ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मैप हो रहा है, और देन उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर सारी मैपिंग हो रही है इसी पॉइंट के लिए। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन, कोई यस सर। और सवाल? ओके। नो सर। तो जब हम बात करते हैं कि आपके पास कोई इस तरह का मैप एफ ओ गामा मौजूद है, तो इसका मतलब है कि हम इस पैरामीटर के जरिए इस फंक्शन में आने वाली तब्दीली स्टडी कर सकते हैं। आपने उसको गामा के थ्रू कंपोज करके लेके गए, गामा बेसिकली पैरामीटर है लैम्डा, गामा को पैरामीटराइज किया हुआ लैम्डा के थ्रू। सो बेसिकली आप लैम्डा के लिहाज से एफ में होने वाली तब्दीली यानी डी एफ ओवर डी लैम्डा को स्टडी कर सकते हैं, और आपने इस रिलेशन को असल में दो इंडिपेंडेंट मैप्स के थ्रू डिफाइन किया हुआ है। एक मैप आपके पास है गामा कंपोज एल फाई कंपोज विद गामा, और दूसरा है एफ कंपोज विद फाई इनवर्स, क्योंकि डेफिनेटली आपको किसी ना किसी आर एम में जाना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप इस तरीके से मैपिंग करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली तो आपने सेपरेट मैप्स के जरिए इस रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है डी एफ ओवर लैम्डा को, और इंडिपेंडेंटली एफ का लैम्डा के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैप्स असल में हैं जो उसका रिलेशन उसके साथ बना रहे हैं। इसी तरह इंडिपेंडेंटली इस कर्व का गामा का भी एफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, एफ और गामा दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैप्स हैं जो इनको आपस में रिलेट कर रहे हैं। ये मैप्स जो मैंने यहाँ पर इस ये जो लिखे हुए हैं, ये मैप्स असल में इनको रिलेट कर जी रहे हैं। सर। ओके, सो सो लेट्स सी के फिर ये हम इस पे क्या आप कर सकते हैं, इसके ऊपर क्या हम देख सकते हैं, और सो लेट्स सी के आप अब आप इस पोजीशन में हैं कि इस क्वांटिटी को निकाल सकें, और ये आपके पास है डी ओवर डी लैम्डा एफ कंपोज विद गामा। मैं करता यहाँ पर ये हूँ कि मैं इनके दरमियान एक सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, इस तरीके से। सो
फाई इनवर्स फाई बेसिकली आइडेंटिटी कंपोजिशन है, और यहाँ पर मैं इनके पेयर्स बना देता हूँ, एक ये पेयर बन गया, और मतलब इनको मैं इनको एक कंबाइन कर दिया और इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है। सो ये बेसिकली मैंने वही दो मैप्स को यहाँ पर लिख लिया जो मैंने ऊपर बनाए थे, फाई विद गामा एंड एफ विद फाई इनवर्स। जी सर। सो फाई गामा वो मैप है असल में आपके पास जो आपको आर से लेके जा रहा है आर एम पे, ये मैप आपको लेके जा रहा है आर टू आर एम, और ये मैप आपको लेके जा रहा है आर एम टू आर। सो जब हम फाइव कंपोज विद गामा की बात करते हैं आर से आर एम वाले मैप की, तो इसके जरिए हम असल में हम कर्व पे मौजूद पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स असाइन कर रहे हैं, और कर्व क्या कर रही है, कर्व आपको आर से लेके जा रही है मैनिफोल्ड में किसी पॉइंट तक, और फिर फाई उसको उसके कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर देता है। सो कर्व क्या कर रही है, कर्व आपको इस आर से लेके जा रही है मैनिफोल्ड में किसी पॉइंट तक, और ये मैप फाई क्या कर रहा है, फाई इस पॉइंट इस मैनिफोल्ड के अंदर इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स असाइन कर देते हैं। सो बेसिकली फाई कंपोज विद गामा दर हकीकत, यहाँ पर लिखूं अगर, सो फाई कंपोज विद गामा इज एक्चुअली इज पुटिंग coordinates on the curve. So this is just x alpha and 2 lambda. ये बात समझ में आई है, दोबारा से इसको देख ले, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। Phi composed with gamma आपके पास R से RM का मैप है, और इसके जरिए हम करके आ रहे हैं कि इस लाइन पर मौजूद इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स असाइन कर रहे हैं इस कर्व के ऊपर, यानी कि कर्व क्या कर रही है आपको, ये कर्व गामा आपको आर से लेके जा रही है इस मैनिफोल्ड में मौजूद किसी पॉइंट तक, ये पॉइंट है आपके पास, और देन हम इस मैप फाई के जरिए इसको दे रहे हैं कोऑर्डिनेट्स। सो बेसिकली अगर आप फाई के जरिए इसको कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इस फाई के जरिए इसको कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं इस पॉइंट को, ठीक है जी सर। सो ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी, इसका मतलब ये है कि एक्स अल्फा कोई रियल नंबर लैम्डा लेता है, और उसकी आउटपुट कोई m नंबर्स होते हैं। m नंबर्स क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी डायमेंशन rm है, डायमेंशनल जी सर। लेकिन चूंकि अगर हम स्पेस टाइम में काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ चार डायमेंशन होती हैं, तो अल्फा बेसिकली 0 1 2 3 के बराबर है। सो ये स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके सर। अच्छा, इसी तरीके से f composed with phi inverse आपके पास मैप है r m से लेकर r तक का, और ये आपको f के coordinates provide कर रहा है। so basically ये जो चीज है f composed with phi inverse असल में x alpha देते हैं तो f coordinates आपको मिल जाते हैं। अच्छा चले, मुझे वापस अब इस इक्वेशन पे आते हैं, और हम इसको एक और तरह लिखते हैं। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाता है, ये असल में सिर्फ चेन रूल है, ये देखने में इतना खौफनाक लग रहा है कि ये हमने पता नहीं क्या कर दिया है, लेकिन ये असल में सिर्फ चेन रूल है, ये अभी आपको ना अभी कुछ देर में आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट अभी जैसे हमने बात की थी कि फाई का कंपोज विद गामा असल में आपके पास एक्स अल्फा ऑफ लैम्डा है, सो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर, ये चीज बन गई आपके पास, और हमने ये कहा था कि f composed with phi inverse आपके पास f of x alpha है,
इसको मुझे थोड़ा सा रीअरेंज करने दें। आप देखें क्या ये आपके पास चेन रूल नहीं बन गया। हमारा यू यस का सर, चेन रूल। सो ये अब ये जो चीज है ये असल में ये जो हमने इतनी ये जो खौफनाक सी कॉम्पोजिशन आई हुई है ट्रिपल कॉम्पोजिशंस ये सिर्फ आपको एक 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 तरीका प्रोवाइड कर रही है एक रियल लाइन से दूसरी रियल लाइन पे जाने का, नथिंग एल्स। सो इट्स लाइक चेन रूल के आप एक पॉइंट से पहले दूसरे में जा रहे हैं देन दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं। सो यहाँ पर आप क्या करें कि एक सरफेस से पहले दूसरी में जा रहे हैं देन दूसरी से तीसरी में जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास सरफेसेस हैं आर्बिट्रेरी सरफेसेस हैं। कुछ समझ में आई ये बात यहां तक? लेट मी कॉल दिस इक्वेशन वन। यस सो और ये किसी भी फंक्शन एफ के लिए ट्रू है। अब इस चीज को अगर आप यूएल कैलकुलस के अंदर अपने अप्लाई करेंगे तो देन वही रिजल्ट्स आएंगे जो आपको वहां पर मिलते हैं बिकॉज इट्स अ मोर जनरल रिलेशन। यहाँ पर हम अब हमने किसी एक पॉइंट के लिए काम नहीं किया, हमने पूरी सरफेस के लिए काम किया। वहां तो हम फ्लैट सिर्फ फ्लैट सर्फेसेस के लिए पॉइंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये किसी भी सिचुएशन में ये रिलेशन ऑफ वैलिड है। और ये जो डी ओवर डी लैम्डा यहाँ पर है ये असल में आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। सो अगर मैं इस यहाँ से निकालना चाहूँ तो डी ओवर डी लैम्डा इज जस्ट डी एक्स एल्फा ओवर डी लैम्डा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एल्फा। सो ये आपके पास असल में डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर टू। और अगर हम अब दोबारा से देखें कि हम प्रीवियसली टेंजेंट वेक्टर्स कैसे डिफाइन करते थे तो आपको याद होगा हमने टेंजेंट वेक्टर्स को डिफाइन किया था किसी लेक्चर में शुरू में के टी अल्फा और इसके कोई बेसिस वेक्टर्स ई अल्फा थे। और ये जो टी अल्फा है हम इनको किसी भी पॉइंट के ऊपर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं पैरामीटराइज किए हैं। से दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। ये हमने 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 टेंजेंट वेक्टर्स को ऐसे डिफाइन किया हुआ है ये आपको याद होना चाहिए। सो बहरहाल अब यहाँ पर अब इक्वेशन नंबर टू और थ्री को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो डी एक्स ओवर डी लैम्डा है ये आपके पास इस टेंजेंट ये वाली ये जो नंबर है ये असल में आपके पास इस टेंजेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं और ये आपके पास बेसिस हैं बेसिस और कंपोनेंट्स। सो इसका मतलब है कि एक्चुअली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये तो चीज आपके पास आ गई कंपोनेंट्स तो फिर ये चीज आपके पास बेसिस होनी चाहिए। सो असल में हम लोग फिर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अल्फा इज एक्चुअली इक्वल टू बेसिस वेक्टर्स। ये हमने आइडेंटिफाई किया है। और आपको ये पता है कि अगर ये चीज इसके बराबर आ रही है और ये बेसिस वेक्टर्स जो हैं ये मिलकर एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि आप इन डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को भी वेक्टर स्पेस के तौर पर लिख सकते हैं। वो जो हमने इनिशियली क्लेम किया था वो हमारा ठीक साबित हो गया है कि जितने भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं वो असल में वेक्टर स्पेस बनाते हैं। हाँ जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सो दैट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ कैलकुलस ऑन मैनिफोल्ड्स कि आपको बस ये जो लाइनें मैंने यहाँ पर लिखी है तो डायग्राम बनाइए ना ये डायग्राम कॉन्सेप्चुअली समझ में आनी चाहिए। मतलब सिर्फ इसको ये रट्टा नहीं लगाना कि ऐसे ये ऐसे ऐसे सर, हो रहा है और ये ऐसे बन गया। ये इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि काम हुआ क्या है। जी कुछ आप इसको कुछ कह रहा था? जी सर, सर हम ये जो गामा है रियल लाइन से पहले हम मैनिफोल्ड में जा रहे हैं, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में मैनिफोल्ड में एक पॉइंट ले रहे हैं। सर भी एक पॉइंट हमें उस रियल लाइन पे भी तो लेना चाहिए जहाँ पे हम एफ फंक्शन को यूज कर रहे हैं। ले लें वो ये कह लें ये ले ये वाला पॉइंट है।
ओके सर, वो तो ट्रिवियल ऑब्वियस बात हो जाएगी ना कि हम किसी पॉइंट, अगर हम पॉइंट की बात करें तो हम पॉइंट से किसी पॉइंट पे जा रहे हैं। और सर इन जनरल हम इसलिए रियल लाइन से इस रियल लाइन पे जा रहे हैं। हाँ जी 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 सर, आपने यहाँ पे बताया था ना कि ये जो गामा वाली लाइन पे जो पॉइंट है और हाँ जो जी मैनिफोल्ड पे पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट सेम है, हाँ जी होने चाहिए। तो सर एफ फंक्शन, जी सर, और सर एफ फंक्शन का और मैनिफोल्ड पे जो पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट्स भी सेम होंगे। हाँ जी क्यों, मैपिंग है ना। ठीक है सर, तो असल में वो सेम होने से मुराद ये है कि आप इसको वही कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे इस कर्व। आप बेसिकली आप इस कर्व को पहले इस रियल लाइन से मैप करवा रहे हो, देन इससे मैप करवा रहे हैं। तो वो अगर नंबर 1 है, सो लेट्स सपोज के नंबर को 10 है उस लाइन पे, वो इस कर्व को नंबर 10 ही असाइन करेगा। डिफरेंट तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पॉइंट 1 ही है ना आपके पास, और हमने स्मूथ ट्रांजिशन लेनी है और ये वो चीजें हैं। जी सर, तो वो जो हमारे वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं वो तो वैसे ही वैसे ही रहेंगे। मतलब ये मैनिफोल्ड है, इसका मतलब एक स्मूथ भी है, कंटिन्यूअस भी है, और वो स्मूथली सीवन टुगेदर है, और वो सारी वो आए सारे आइडियाज वैसे के वैसे ही हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आप उसके पॉइंट डिफरेंट नहीं ले सकते हैं, अनलेस कि ये कोई स्पेसिफिक मैपिंग ना हो। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैपिंग हो रही है एक्स टू एक्स स्क्वेयर पे, और यहाँ पर हो रही है एक्स अगेन, यहाँ पर डेफिनेटली एक्स स्क्वेयर टू एक्स ही होगी। तो पॉइंट सेम ही रहना चाहिए आपके पास, वरना तो आप वो फिर ये होगा कि आप एक ही पॉइंट को दो डिफरेंट नंबर्स असाइन कर रहे हैं, वो मल्टी वैल्यूड सिस्टम बन जाएगा और वो तो इवन के सेट भी नहीं होगा। ओके सर, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, ओके, सो लेट्स डू लिटिल मोर स्टफ, और फिर हम बस रह गए, थोड़ा सा काम रह गया। अच्छा, जहां पर वेक्टर्स होती हैं वहां पर वेक्टर स्पेसेस होती हैं, और यहाँ पर हमारे जो वेक्टर्स हैं वो असल में टेंजेंट्स हैं कर्व्स पे। और हम यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो वेक्टर स्पेस होगी उसको वेक्टर स्पेस नहीं कहेंगे, उसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही स्पेशल नेम है और उसे हम नाम देते हैं टेंजेंट स्पेस का। है तो ये वेक्टर स्पेस ही, लेकिन चूंकि ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स की स्पेस है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स की वेक्टर स्पेस, इसलिए हमने इसे एक स्पेशल नाम दे दिया है टेंजेंट स्पेस का, क्योंकि टेंजेंट्स की एक स्पेस है। सो दिस इट इज the space of all directional derivatives along curves passing through point P, और इसका सिंबल भी एक स्पेशल सिंबल है, और सिंबल को हम डिनोट करते हैं, इस टेंजेंट स्पेसेस को डिनोट करते हैं TPM से। सो टी इज फॉर टेंजेंट, किस पॉइंट पर डिफाइन कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है और ये आपकी मैनिफोल्ड है। सो लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई किसी पॉइंट Q के लिए डिफाइन कर रहे हैं, किसी मैनिफोल्ड एन पे कर रहे हैं, तो फिर आप इसको टी क्यू एन लिखेंगे। सो बट इन जनरल हम इसको TPM कहते हैं। सो बेसिकली TPM इसका एक जनरल सिंबल है, लेकिन वो डिफरेंट मैनिफोल्ड के लिए डिफरेंट आप लिख सकते हैं। और ये पॉइंट मेंशन करना लाजमी होता है कि आप किस पॉइंट के लिए आपने टेंजेंट स्पेस डिफाइन किया है या डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं। अच्छा
और इस टेंजेंट स्पेस की, सो लेट्स सपोज कि इसकी मैं अगर एक कार्टून पिक्चर ड्रॉ करूं यहां पर, तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। सो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के ऊपर कोई टेंजेंट स्पेस होगी, सो लेट्स से के वो ये है। इसी तरह इसके ऊपर और बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे, ये पॉइंट आ रहा है। जितने मर्जी पॉइंट्स ले लें और हर पॉइंट्स की एक डिफरेंट टेंजेंट स्पेस आ रही होगी। ऑल दो अभी तक हमने ये बात नहीं की कि सुबह आवाज नहीं क्लियर आ रही सबको, बाकियों को भी इशू आ रहा है आवाज का? सर आ रही है आवाज? ओके ओके, नो सो आपके पास मुख्तलिफ पॉइंट्स होंगे और उन पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह की टेंजेंट स्पेसेस आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि ये पॉइंट पी है, इसके लिए आपने TPM कर ली, ये Q है इसके लिए TQM कर ली, और ये R है इसके लिए TRM कर ली। सो इन इन इनकी टेंजेंट स्पेसेस की जो डायमेंशनैलिटी होती है वो वही होती है जो आपकी इस मैनिफोल्ड M की है, वो चेंज नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि हम मैनिफोल्ड को देख रहे हैं और वहां पर देख रहे हैं कि कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं, मैनिफोल्ड के ऊपर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं, तो लिहाजा वही डायमेंशनैलिटी आपकी टेंजेंट स्पेस की होगी जो मैनिफोल्ड की है। और आप रफली ये भी सोच सकते हैं कि जो टेंजेंट स्पेसेस हमने ड्रॉ किए हैं ये असल में फ्लैट सर्फेसेस हैं मैनिफोल्ड के ऊपर, कि आपने मैनिफोल्ड के ऊपर मुख्तलिफ फ्लैट सर्फेसेस ड्रॉ कर दी हैं और उन फ्लैट सर्फेसेस को हम नाम दे रहे हैं टेंजेंट स्पेसेस का। अच्छा, अब ये चूंकि मैंने यहाँ पर अब एक से ज्यादा टेंजेंट स्पेसेस ड्रॉ कर ली हैं, तो अब ये कलेक्शन बन गई है टेंजेंट स्पेसेस की। सो इस तरह की कलेक्शन को हम नाम देते हैं, इस कलेक्शन का भी एक अलग से नाम है, कलेक्शन ऑफ ऑफ ऑल दी टेंजेंट स्पेसेस इज कॉल्ड The tangent bundles, और इसको हम डिनोट करते हैं TM के साथ। सो TM इज जस्ट अ यूनियन ऑफ ऑल टेंजेंट स्पेसेस एट पॉइंट P। क्लियर? ये सो दीज आर जस्ट डेफिनेशंस, यस इनके सर। इनके मजीद डिटेल आप लोग खुद बुक से पढ़ सकते हैं, और इसी तरीके से हम बाकी सारी चीजें इनके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने की हुई है। सो आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि ये बस नाम्स आपको बताना चाह रहा था इनके, बट मोर कैन बी डन। इवन आपके कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ इस तरीके से आ जाएंगे और कुछ आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये एक और चीज मैं यहाँ पर बस एक, उसके बाद हम वन फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं और देन वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। मैं यहाँ पर डी ओवर डी लेमडा के बारे में एक और कमेंट करना चाह रहा था कि ये जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है डी ओवर डी लेमडा, जो आपके डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब कि मतलब इसको इस तरीके से देखें कि हम लोगों ने पहले बात की थी लॉरेंट। सो लेट्स सपोज कि जैसे ये एक वेक्टर है, सो ये वेक्टर असल में कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है, इसको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इसके ये किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हम स्पेशल रिलेटिविटी में लेते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अब हम चूंकि हम सारी चीजों को जनरलाइज कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे कि आपके पास ये जो डी ओवर डी लैम्डा ये किसी जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है, और अगर उन ट्रांसफॉर्मेश और उस ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में आपके कंपोनेंट्स और बेसिस वेक्टर तो ऑब्वियसली चेंज होंगे ही होंगे, लेकिन डी ओवर डी लैम्डा ओवरऑल चेंज नहीं होगा, सो दैट विल रिमेन इनवेरिएंट अगर वो एक ट्रू जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। सो अब हम खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तक,
बल्कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम मैनिफोल्ड के ऊपर ले सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने लॉरेंस कोऑर्डिनेट्स ही लेने हैं। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे लिए एक 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 कोई मुकद्दस चीज नहीं रह गई, और जो लोकली वो फिर भी होल्ड करेगी, लोकली वो होल्ड करेगी ही करेगी, क्योंकि लोकली आपकी सरफेस फ्लैट है, लेकिन इन जनरल आपके पास असल में वो ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो लोकल सर्फेसिस के ऊपर वो आपकी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन असल में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लेकिन इन जनरल आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बिल्कुल ऐसे ही कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसे ही है कि अगर आपके पास आर थीटा फाई से आप लोग एक्स वाई जी में जाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली ये आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होती है कि आप इस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट इसमें जा रहे हैं या आप इससे इसमें जा रहे हैं, बट स्टिल ये एक वैलिड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है और ये हम रेगुलरली यूज करते हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ जनरल कोऑर्डिनेट, दिस इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्दो इट्स नॉट अ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एनी क्वेश्चंस? No, sir. Okay, let's then discuss one forms और अब one forms को बहुत ज़्यादा मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, आपको पता है ये सारी बातें के one forms होती क्या हैं। अब dot vectors हमने define कर लिए हैं, so then rest of the stuff is pretty easy. One forms. अच्छा, हमने special relativity में ये कहा था कि जो one forms होती हैं वो असल में linear maps होते हैं आपके पास vectors से real numbers पे। सो लेट्स सपोज के ये है, सो ये रियल मैप्स हैं किसी वेक्टर स्पेस से सेट ऑफ रियल नंबर्स में। अब हमारे पास वेक्टर स्पेसेस तो है नहीं, अब हमारे पास टेंजेंट स्पेसेस हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ऑन मैनिफोल्ड्स आपके पास जो वन फॉर्म्स होंगी ये रियल मैप्स, सो ये मैप्स होंगे टेंजेंट स्पेसेस से रियल नंबर्स में। और इसी तरीके से अगर हम इसको इसको हम बेसिस की टर्म्स में लिखना चाहें तो आप इनकी इसके लिए कोई बेसिस वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं डी एक्स एल्फा, आप उसे यहाँ पर आप देते थे डी एक्स एल्फा को कोई वेक्टर देते थे बेसिस वेक्टर बीटा और आपको मिल जाता था अल्फा बीटा, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ये सो ये आपके पास क्या है कोऑर्डिनेट बेसिस थी, और यहाँ पर हम इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बेसिस वेक्टर्स प्रोवाइड कर देंगे, वो भी हमने देखा था कि वो आपके पास ये होते हैं। सो अगेन ये आपको क्रोनिकर डेल्टा यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि हम काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बेसिस में। और इसी तरीके से अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो तो उस फंक्शन के लिए आप ग्रेडियंट भी डिफाइन कर सकते हैं, हमने देखा था कि ग्रेडियंट इज अ वन फॉर्म, सो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स एल्फा और ये साथ में उसकी बेसिस आ गई। सो कलेक्शन और सो ये वो चीज है, सो इस तरीके से हम वन फॉर्म्स और बाकी स्टफ डिफाइन कर सकते हैं। और हमें पता है कि जितनी भी वन फॉर्म्स होती हैं वो भी किसी वेक्टर स्पेस से बिलोंग करती हैं। सो इनकी ये सारे के सारी वन फॉर्म भी जो हम मैनिफोल्ड पे डिफाइन कर रहे हैं ये भी किसी ना किसी वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रही होंगी, और ये सारी मिलके कोई वेक्टर स्पेस असल में बनाती हैं। इस वेक्टर स्पेस को नाम दिया जाता है कोटेंजेंट स्पेस का, कोटेंजेंट स्पेस, और इसको डिनोट करते हैं टी पी यहाँ पर स्टार का साइन लगा के। और इसी तरह अगर बहुत सारी कोटेंजेंट स्पेसेस हों तो उनके कलेक्शन को हम लोग कोटेंजेंट बंडल कहते हैं। सो दिस इज जस्ट द रेगुलर स्टफ। अच्छा, इसी तरीके से आप फिर हम टेंसर्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। जब हम ये सारा कुछ कर चुके हैं तो टेंसर्स भी करना बहुत आसान है अब, क्योंकि हमें सिर्फ वेक्टर्स ही चाहिए, वेक्टर्स और वन फॉर्म चाहिए होती हैं और वो हम लोग कर चुके हैं। सो लेट्स सी के टेंसर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। टेंसर्स जारी बात है, टेंसर्स बेसिकली आपके पास लीनियर मैप होंगे। सो अ टेंसर कोई भी जनरल एलिमेंट टेंसर, अ टेंसर टी इज ए
linear map that takes m cotangent spaces, usual sense mein mn form, m1 forms, and n tangent spaces ya n vectors special relativity ke sense mein flat spaces ke liye, and aur definitely ye kisi ek point ke upar hum baat kar rahe hain, ye cheez yaad rakhni hai. At the same point and returns a real number. So वहां पर आप क्या करते थे mn टेंसर को डिफाइन करने के लिए के उसको m वन फॉर्म देते थे, n वेक्टर्स देते थे और वो आपको एक रियल पॉइंट देते, एक रियल नंबर दे देता था. यहाँ पर आप सेम पॉइंट के लिए टेंसर को डिफाइन कर रहे हैं, एक पॉइंट p के लिए, और उसको m कोटेंजेंट स्पेसेस दे रहे हैं, n टेंजेंट स्पेसेस दे रहे हैं, so it should be tangent spaces. और वो आपको रिटर्न कर रहा है एक रियल नंबर रिटर्न कर देता है. सो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली. सो कोटेंजेंट स्पेसेस टी पी स्टार एम टेंसर प्रोडक्ट विथ टी पी स्टार एम टेंसर प्रोडक्ट विथ एम कोटेंजेंट स्पेसेस और टेंसर प्रोडक्ट विद एन सॉरी एम वेक्टर स्पेसेस सॉरी एम टेंजेंट स्पेसेस TP star TPM tensor product TPM. ये मैपिंग हो रही है रियल लाइन पे. और इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स हम इसको लिख सकते हैं T is equal to T alpha beta gamma mu nu rho. So dx mu dx nu dx rho. और यहां से बेसिस वेक्टर्स आ जाएंगे टेंजेंट स्पेसेस के. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस फॉर मैनिफोल्ड्स. यहां तक कोई क्वेश्चन? जी नो क्वेश्चन. थक गए लगता आप लोग. ओके सो लेट्स डू सम लास्ट फ्यू डेफिनेशंस और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं. अभी तभी हमारे पास सभी है टाइम. सो यूजुअली हम फिजिक्स में वेक्टर्स की बात नहीं करते, हम टेंसर्स की बात नहीं करते, हम वन फॉर्म्स की बात नहीं करते. हम आकर बात किस चीज की करते हैं? हम बात करते हैं फिजिक्स में फील्ड्स की. हम हर चीज को फील्ड्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह से हम यहाँ पर फिर वेक्टर फील्ड्स की बात कर रहे होंगे. सो जब भी हम इवन के हमारी बुक्स में भी या जहां पर भी हम बात कर रहे होते हैं यूजुअली के वैक्टर्स ऐसे कर रहे हैं, वैक्टर्स वैसे कर रहे हैं, तो असल में हमारा उससे मतलब ये होता है कि वेक्टर फील्ड यहाँ पर ऐसे एक्ट कर रही है. वो हम एक्सप्लिसिटली बताते बात नहीं करते कि वेक्टर फील्ड की बात करें,
लेकिन मतलब उसका यही होता है कि हम यहाँ पर वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं। सो आपके पास वेक्टर फील्ड से मुराद ये होती है कि आपके पास यहाँ पर एक मैनिफोल्ड है, उस मैनिफोल्ड के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं और ये सारे के सारे पॉइंट जो होंगे इनके ऊपर कोई वेक्टर्स एक्ट कर रहे होंगे। सो सो लेट्स सपोज के ये सारे के सारे एक एक वेक्टर फील्ड है जो इस तरीके से एक्ट कर रही है, और अगेन इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम ले लेते हैं, और अब मतलब एक मैनिफोल्ड में एक से ज्यादा, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा वेक्टर फील्ड्स हैं जो एक्ट कर सकती हैं। सो कोई और वेक्टर फील्ड है जो यहाँ पर इस तरीके से एक्ट कर रही है, सो लेट्स के ये सारे के सारे हम राइट की तरफ बना लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर और भी वेक्टर फील्ड्स मौजूद हो सकती हैं कि वो वेक्टर फील्ड एक खास तरह से एक्ट कर रही है और वो हर पॉइंट को वही फीचर प्रोवाइड कर रही है जो यूजुअल कॉन्सेप्ट हमारे पास वेक्टर फील्ड्स का होता है। सो इसी तरीके से सो बेसिकली ये इसको लिखने का मतलब ये है कि इट असाइंस अ वेक्टर टू ईच पॉइंट ऑफ दी मैनिफोल्ड अच्छा इस मैं बल्कि ना इसको दोबारा से बना दूं, कहीं आप लोग ये ना लें कि एक ही मैनिफोल्ड के ऊपर एक वक्त में एक से ज्यादा वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट कर रही हैं। असल में ऐसे नहीं होता, होता ये है कि आप मतलब इसके ऊपर एक से ज्यादा तरह की फील्ड्स एक्ट कर सकती हैं लेकिन वो एक ही वक्त में नहीं कर रही होती, मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा फील्ड एक वक्त में नहीं लग रही होती। वो तो फिर इन जनरली हम कहते हैं कि नहीं लग रही हैं। सो लेकिन वो वेक्टर फील्ड्स आपके पास मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। सो लेट्स से के यही पॉइंट्स हम ले लेते हैं और ये रेज हो जाए तो सो कोई एक वेक्टर फील्ड है जिन सारे के सारे पॉइंट्स को राइट की तरफ बेंड करवा रही है प्रोजेक्ट, और इसी तरीके से आपके पास वन फॉर्म फील्ड होती हैं जो हर पॉइंट को वन फॉर्म असाइन कर देती हैं, और इसी तरीके से आपके पास टेंसर फील्ड होती हैं जो हर पॉइंट को टेंसर असाइन कर देती हैं। सो हम यूजली इनका इनका हम बात नहीं कर रहे होते एक्सप्लिसिटली कि हम फील्ड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब हमारा यही होता है कि हम यहाँ पर फील्ड मुराद ले रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हम देख लेंगे। यू मस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।